इधर महाराज परीक्षित का विवाह उत्तर की पुत्री ईरावती से हुआ। राजा परीक्षित को पता चला कि मेरे राज्य में कलयुग आ गया है, तो राजा परीक्षित ने दिग्विजय शुरू कर दिया, कलयुग को खोजना शुरू कर दिया, कहाँ है मैं उसको निकालना चाहता हूं। परीक्षित के राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था। ये जो भारत आप देख रहे हैं ना, इससे बहुत बड़ा भारत था, 10-20 गुना नहीं 100 गुना बड़ा था। और यदि भारत के लोग सावधान नहीं रहेंगे तो ऐसा समय आएगा कि भारत खंड खंड होने वाला है। इस देश की हालत वो है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, ऐसे बोलने वालों की भी मुकदमा लड़ने वाले इस देश में पड़े होंगे। अगर आप सावधान नहीं होंगे तो 2040 के बाद भारत की स्थिति न जाने कहां चली जाए। लेकिन भारत की जनता जात और जमात में उलझ करके जा रही है। राम कृष्ण विश्वनाथ का जहां उद्धार हो, फिर भी जिस देश की जनता में सुधार न हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है। महाराज परीक्षित एक दृश्य देखे, एक बैल जिसके चार पैर से तीन पैर कट गए, एक गाय से बैल का संवाद हो रहा है, गाय रो रही है, बैल पूछ रहा है क्यों रो रही है भाई, कोई तुम्हारा व्यक्ति परदेश चला गया है, किस लिए रो रही है, मेरे तीन पैर कट गए इसलिए रो रही है, रोने का कारण क्या है। उस देवी ने कहा, ब्रह्मादयो बहुतितम यदपांग मोक्ष कामस्तपः समचरण भगवत प्रपन्ना सासे हि स्वासमर बिंद बनम विहाय यतपाद सौ भगमलम भजते। मैं इसलिए रो रही हूं भगवान कि मेरे अभिमान को देख करके भगवान मुझे छोड़ दिए। यह दृश्य कहां देखा उन्होंने? काश्मीर में। प्राप्तः प्राचीन सरस्वती, सरस्वती नदी काश्मीर में बहती है। दुनिया के लोग कहां पढ़ने आते हैं? काशी में। और काशी के विद्वान कहां पढ़ने जाते थे? काश्मीर में। नमस्ते शारदे देवी काश्मीर पूर्वासिनी, सरस्वती जी का मायका है काश्मीर। और आज काश्मीर की क्या हालत है आप देख रहे हैं। फिर भी भारतवर्ष के सनातनियों को अभिज्ञान नहीं हो रहा है। हमारी जहां धर्म धुरी है, जहां जहां हमारे धार्मिक स्थल है, वहां विधर्मियों ने अपना जमात बनाकर रखा है। सावधान होने की आवश्यकता है। राजा परीक्षित यह दृश्य देख रहे हैं। राजा परीक्षित दौड़ करके गए और उस बैल को प्रणाम किया। भगवान आपके तीन पैर किसने काट दिए? आप माता इतनी रो क्यों रही हो, क्या कारण है? बैल ने कहा, महाराज अब मेरे पैर किसने काट दिए ये तो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि दूसरे की चुगली करना दुनिया का सबसे बड़ा दुख है, दोष है, पाप है, और मैं अपने दुख का कारण क्या बताऊं। कोई कहता है दुख का कारण कर्म है, कोई दुख कहता है प्रारब्ध है, कोई कहता है भाग्य है, कोई कहता है ग्रह है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। बैल बेचारा थर थर लघुशंका कर रहा है, कांप रहा है, गाय बेचारी कांप रही है। तब तक काला कलूटा व्यक्ति मुकुट धारण किया हुआ आया। राजा परीक्षित ने कहा, तूने इस बैल को और इस गाय को लात से मारा है, तू जानता नहीं मैं कौन हूं? नथे गुड़ा के सयशो धराणा किंचित। अरे मैं अर्जुन के वंश में पैदा हूं, अभी अभी तुम्हारा गर्दन उतार लूंगा। और ज्यो तलवार निकाले चरणों में गिर पड़ा। तब तक दादाजी की बात याद आ गई, शरण में शत्रु आ जाए तो क्षमा कर दो। तो कौन है बोल? उसने कहा, महाराज मेरा कलयुग नाम है, मेरे राज्य में कैसे आ गया, मेरे राज्य से बाहर निकल गया।
कलयुग ने कहा भगवान यत्र कुत्र मत्स्यांग सारभौ भक्तया, मैं जहां देखता हूं आप ही दिखाई दे रहे, मैं कहां जाऊं, कहीं रहने के लिए जगह दे दे। तो राजा परीक्षित ने चार जगह दिया, द्योतम पानम स्त्रियः सुना, जहां शराब किया पिया जाए, जहां व्यभिचार किया जाए, जहां जुआ खेला जाए और जहां जीव की हिंसा हो। कलयुग ने कहा सरकार ये तो अपने मन से आपने दिया, लेकिन मेरा एक सद्गुण है, क्या कलयुग में जो भगवान का नाम गाता है, नहीं कैली कर भगति विवेको, नहीं कैली कर मैंने भगति विवेको, कलयुग में भगवान का नाम ही श्रेष्ठ है। इसलिए प्रेम से बोलो राधे राधे भगवान नाम, भगवान का नाम भले न बोलो, राधे का नाम ले लेंगे तो श्याम सुंदर आ जाए। माता पृथ्वी और धर्म रूपी बैल, इस बैल के तीनों पैर को जोड़ दिया, विद्या दान तप और सत्य, यही धर्म के चार पैर है, कलिमह एक प्रधान, देन केन विधि दीने कल्याण। कलयुग में दान की महत्ता है। राजा परीक्षित धर्म का रक्षण किए, पृथ्वी रूपी गाय को प्रणाम किया, कहा एक गुण अच्छा है हमारा, इसलिए कोई अच्छे जगह पर दे दो। विचार करिए राजा परीक्षित के जमाने में इन चारों चीजों पर प्रतिबंध था, शराब पर, वेश्यागमन पर, जुआ पर, जीव हिंसा पर, और आज की सरकारें इसको लाइसेंस दे रही है। बोले क्यों महाराज? बोले इससे सरकार को जो रेवेन्यू आना चाहिए नहीं आएगा। अरे भाई जब इससे आना है तो खुलेआम कर दो। आज की सरकार में और उस सरकार में कितना बड़ा अंतर था। परीक्षित के राज्य में तीन चीजें निःशुल्क थी, क्या? शिक्षा, चिकित्सा और न्याय। निःशुल्क देना हो तो शिक्षा दो, चिकित्सा दो कि न्याय दो। इस देश में घोड़े को गधा बनाया जा रहा है, गधे को घोड़ा बनाया जा रहा है। 90% नंबर पाने वाला गांव में खेती कर रहा है और 40% नंबर पाने वाला MBBS डॉक्टर बनकर आ रहा है। इस देश का दुर्भाग्य है कि किसी अच्छे परिवार में जन्म ले लेना ये सबसे बड़ा अभिशाप बना हुआ है। प्रतिभाओं का यदि ऐसे ही हनन होता रहेगा, देख रहे हैं पुल बन रहे हैं, सड़क बन रहे हैं, क्या स्थिति है? उद्घाटन हुआ 3 ही महीना बाद जैसे आराम। क्यों? 40% पाने वाले इंजीनियर हो गए और 90% पाने वाला लेबर हो। इस देश में घोड़े को गधा बनाया जा रहा है और गधे को घोड़ा बनाया। एक व्यक्ति काशी में आए आधी रात के समय, उन्होंने कहा हमको गोदान करना है। तो घाट पर कोई पंडित तो थे नहीं, तो घाट वाले जो मल्लाह लोग थे वो सोचे अब क्या करें, तो फट से एक गधे को गाय बनाकर लाया। और बहुत बड़े पदाधिकारी थे, उनकी पत्नी ने कहा गधे को हमको गोदान करना है। अब आधी रात को गाय कहां मिलने जाए, फट से गधे को कंबल ओढ़ा दिया
और ले आए अपने मंत्र पढ़ने लगे। अब गोदान हो ही चुका था, अब वो बेचारे क्या समझे कि गधा है, पूरा ओढ़ लिया है कंबल, समझ में भी नहीं आया। बड़े लोग चलो यार कर लेते हैं। इतने देर में 1 किलोमीटर दूर एक गधा बोला, और जब ही उस गधे ने बोला तब तक ये भी गधा स्वर लगा दिया। अब वो तो हाथ में पोच लिए हुए, तब तक गधा चीपो शुरू किया, और तब तक वो बोला ये गधा, पुलिस वाले भी उनके साथ थे, बड़े पदाधिकारी थे, बस तुरंत वो दोनों दो चार जो मल्लाह थे गंगा में छलांग लगा भाग गए, पकड़ में नहीं आए। प्रतिभाओं का यदि दमन होगा तो राष्ट्र का विकास नहीं हो सकता। अगर गरीबी दूर करनी है तो उसको पढ़ाओ, लेकिन गरीबी दूर करने का मतलब ये नहीं कि 10 किलो चावल 5 किलो गेहूं दे करके और उसको बैसाखी पर जीवन भर खड़े रखो। आज दुनिया के सब देश विकसित हो गए, सबसे पुराना देश भारत विकासशील बनकर के घूम रहा है। आज भी अमेरिका में बड़े बड़े इंजीनियर भारत के लोग हैं, आज भी विश्व में बड़े बड़े पदाधिकारियों के रूप में भारत के लोग हैं। क्यों? क्योंकि इस देश में प्रतिभा का आदर नहीं है। जहां प्रतिभा का आदर नहीं होगा वहां की यही हालत। राजा परीक्षित के राज्य में शिक्षा चिकित्सा और न्याय ये निःशुल्क मिलता था। आज तो 20-20 हत्या करने वाले को 2 घंटे में न्याय मिल रहा है, बेल मिल जा रही है, घूम रहा है। अगर गलती से कोई बीमार होकर के हॉस्पिटलाइज हो गया तो वो बचेगा कि नहीं, लेकिन परिवार के लोग तो समाप्त हो जाएंगे, सब घर द्वार मकान बिक जाएगा। ये हालत है। राजा परीक्षित कलयुग को स्थान दे दिए, एक जगह कहा कि और दे दो तो सोने में स्थान दे दिया। सोने का मुकुट राजा परीक्षित ने एक दिन धारण कर लिया। सोने का मतलब यह नहीं कि हर सोने में कलयुग का निवास है, उसी सोने में कलयुग का निवास है जो अनीति और अन्याय से कमाया जाता है। सोना चुराना भी अपराध है, सोना खोना भी पाप है, सोना मिलना भी अशगुन है और सोना खोना भी अशगुन है। इतना कहने के बाद भी बगल वाले का चेन लोग खींच ही लेते हैं। इसलिए कथा में जब भी जाएं तो आर्टिफिशियल आभूषण पहन कर जाएं। हाँ, बल्कि लॉकर में बंद रखिए, कौन किस रूप में बैठा है। अब पता चला कि हम जाते हैं तीर्थों में नहाने के लिए, बोलते हैं हर हर गंगे, और तब तक कपड़े लेकर बोले हम तुमको कर देंगे नंगे, सब लेकर भाग गए। ऐसा नहीं। एक दिन की घटना है, राजा परीक्षित ने मुकुट धारण किया। वह मुकुट किसका था, हमने संतों के मुख से सुना है। वह मुकुट राजगीर का राजा जरासंध, ये संतों के मुख से सुनी हुई बात है, प्रमाण के रूप में मैं नहीं इसलिए कह रहा हूं कि कहीं मुझे पढ़ने को प्राप्त नहीं हुआ। राजा परीक्षित मुकुट पहनकर चले शिकार खेलने के लिए। एक दिन उनको प्यास और भूख लगी, एक जंगल में कहीं उनको जब कहीं कुछ मिला नहीं, न पानी पीने को मिला, न अन्न खाने को मिला। एक महात्मा का आश्रम दिखा, आश्रम में गए तो महात्मा समाधि में बैठे थे, जिनका नाम था शमीक। शमीक महात्मा समाधि में बैठे थे पर समझ नहीं पाए राजा परीक्षित, और राजा परीक्षित को क्रोध आ गया कि मेरे राज्य में रहने वाला महात्मा मुझे देख करके आंख बंद कर लिया। कभी कभी धनवान लोगों को भी क्रोध आता है, सत्ताधारियों को भी क्रोध आता है, सब पर क्रोध करिए, पर संत महात्मा गुरु माता पिता पर नहीं क्रोध करना चाहिए। क्रोध किया, महात्मा को सामान्य संत समझकर मरा हुआ एक सांप धनुष की कोटनी से उठाकर गले पहना। परीक्षित चले गए,
परीक्षित के जाने के बाद महात्मा समीप के पुत्र श्रृंगी को पता चला कि मेरे पिता के गले में राजा परीक्षित ने सर्प लगा दिया है, तो उन्होंने कौशिकी मंत्र से साप दे दिया। भागवत में तो लिखा है कौशिकी नदी के जल से, लेकिन जब नदी नजदीक होती तो परीक्षित पानी नहीं पी लेते, तो यहां प्रमाण है कौशिकी मंत्र से। देखिए बात ये, यही बात खुलेगी गुरुजन से। भागवत की गीता प्रेस टीका कहती है कौशिकी नदी के जल से बार बार, लेकिन जब नदी नजदीक थी तो राजा परीक्षित जल पी लेते। बात ऐसी नहीं है, कौशिकी मंत्र के साप, कौशिकी नाम का मंत्र पढ़ करके साप दिया। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि कंक्षते स्म कुलांगारो चोदितो मे तदत्र। हे कुलांगार परीक्षित, तुमने मेरे पिता के गले में सर्प लगाया, जाओ मैं शाप देता हूं, आज के सातवें दिन तुम्हें सर्प दर्श दे। श्रृंगी आकर पिता के सामने रोने लगे। पुत्र के रोने की आवाज सुनकर के महात्मा की समाधि टूट गई। ऐसी बात भागवत में गीता प्रेस ने लिखा है, ऐसी बात नहीं है। जब बेटा बेटी रोने लगे और सुनकर समाधि टूट जाए तो फिर समाधि किस बात की। एक राजा था, वो ध्यान करता था, इतना हल्ला था कि राजा साहब दो दो घंटे ध्यान में बैठते। एक महात्मा है, बोले राजा से मिलना है। बोले हुजूर अभी तो महात्मा, अभी राजा साहब ध्यान में बैठे। महात्मा को क्रोध आ गया, बोले तुम्हारे राजा ध्यान में नहीं बैठे। बोले कहाँ है? बोले जूता की दुकान पर जाकर के जूता नाप रहे हैं कि 6 नंबर का होगा कि 7 नंबर का होगा। जाओ अपने राजा से भेंट करा। बोले नहीं संभव है, महात्मा चले गए। ध्यान टूटा, सेवकों ने सेवकों से राजा पूछा कोई आया था? बोले हाँ। कौन आया था? बोले संत आए थे। क्या बोले? बोले आपसे मिलना है, हमने मिलने नहीं दिया। कुछ कह रहे थे क्या? बोले हाँ। क्या कह रहे थे? बोले हमने कहा ध्यान में बैठे। बोले ध्यान वान में नहीं बैठा है, तुम्हारा राजा जूता की दुकान पर गया है। बोले अरे वो कहाँ गए महात्मा, जल्दी खोज कर लाओ, लगता है तो तरीका अलग है। महात्मा तो चले गए। नहीं नहीं, बात ये नहीं है। शमीक जी की समाधि के पूर्णी पूर्णता का समय आ गया था। अब उनकी समाधि पूर्ण ही होने वाली थी, उसी समय श्रृंगी उनके सामने आकर रोने लगा। समाधि खोली, सब बात सुने। बोले बेटा तुमने कुछ कहा तो नहीं? राजा परीक्षित आए थे। कहा राजा परीक्षित को हमने शाप दे दिया। बड़े भाग्य से कोई धर्मात्मा राजा मिलता है। जब राष्ट्र का उद्धार होना होता है ना, तब कोई राजा मिलता है जो 3 घंटे सोता है और राष्ट्र के लिए जगता है। और आजकल के राजा लोग कैसे कर रहे पान, सो वही दिन राती। देश का सौभाग्य है कि हमको कोई धार्मिक राजा मिला है, और इस धार्मिक राजा को प्राप्त करके भी यदि हम उसको खो देंगे तो फिर हमारी संस्कृति और संस्कार समाप्त हो जाएगा। इसलिए भारतीयों को सावधान हो जाने की आवश्यकता है। आज राजा परीक्षित को सूचना भिजवाई, बेटा तुमने बड़ी गलती की, एक राजा को शाप दे दिया, ऐसा राजा नहीं मिलेगा। राजा परीक्षित को सूचना मिली सातवें दिन आज के सातवें दिन आपको सर्प दस लेगा, आप बचने का उपाय करो। परीक्षित जी महाराज ने राजसी परिधान का परित्याग करके बलकल वस्त्र धारण किया और चले आए गंगा के किनारे। गंगा के किनारे आए, मरने के लिए गंगा के किनारे से श्रेष्ठ कोई किनारा नहीं है, तपस्या के लिए नर्मदा से कोई श्रेष्ठ किनारा नहीं है। रेवा तीरे तपह कुर्यात् मरणम जानामि। राजा परीक्षित अपने पुत्र जनमेजय को सिंहासन पर बिठाकर
और अपने आगे भगवती भागीरथी गंगा के पावन तट पर, गंगा के तट पर आए और वहां आकर के बलकल वस्त्र धारण किया, उत्तर पर बैठ गए, क्योंकि उत्तर तो जाना ही है। बड़े बड़े संत मुनिन्द्र आए, सभी महात्माओं को प्रणाम किया और प्रणाम करके यही प्रश्न किया है, भगवान हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं, मरने वाले पुरुष को क्या करना चाहिए गुरुवर तुम्हें बता। गुरुवर तुम्हें बता, बता दो चरणों में कैसे जाए, गुरुवर तुम्हें चरणों जिसके चरणों में गिर कर, जिसके चरणों में गिर कर मन की व्यथा सुनाए, गुरु मैं तुम्हें ताली बजाते हुए परीक्षित जी ने पूछा, भगवान मरने वाले को क्या करना चाहिए। तब ऋषियों ने कहा कि मरने वाले को भागवत सुनना चाहिए। कितना समय बचा है? केवल 7 दिन। किसी ने कहा 11 दिन का समय होता तो हम महामृत्युंजय करा देते। किसी ने कहा अगर हमारे पास 9 दिन का समय होता तो रामायण सुना देते, सतचंडी यज्ञ करा देते। बोले नहीं नहीं, इनको केवल भागवत सुनाओ, इसी भागवत से इनका परम कल्याण होगा। व्यास जी से लोगों ने कहा भाई क्यों नहीं सुना देते? व्यास जी बोले हम बूढ़े हो, हम नहीं सुना पाए, क्योंकि सुनाने वाला तो एक ही जिसका नाम सुखदेव है। कहाँ मिलेंगे सुखदेव जी? बोले हर जगह सुखदेव जी है, बस आपकी चाहत अच्छी होनी चाहिए। जिसे खोजना है वो खोज लेता है, जिन जूढ़ा गहरे पानी आदि। सबने भगवान सुखदेव का ध्यान किया, उसी समय श्री सुखदेव भगवान प्रकट हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव जी आए, परीक्षित जी ने प्रणाम किया, महाराज आज मेरा घर तीर्थ हो गया। भैया जहां भागवत होती, जहां संत आते हैं ना, वो भवन तीर्थ हो जाता है। आज इस बैंक्वेट हॉल में जो कथा करा रहे हैं हमारे संघई परिवार के लोग, इस हाल वाले मालिक को कितना बड़ा लाभ मिल रहा है। सब कुछ के साथ साथ भगवान की कथा फ्री में मिल रही है। भगवान शंकर पार्वती जा रहे थे, शिव जी बैठ गए भूमि को प्रणाम करने लगे। पार्वती ने पूछा क्यों प्रणाम कर रहे हो भगवान? कहा देवी नहीं जानती हो, इस भूमि पर 1000 वर्ष पहले भगवान की कथा हुई थी। थोड़े दूर और चले, फिर शिव जी बैठ गए प्रणाम करने लगे। मैया ने पूछा अब क्यों बैठ गए? शिव जी ने कहा देवी इस भूमि पर 100 वर्ष बाद भागवत की कथा होने वाली है। ये भूमि पवित्र हो जाती है। सुखदेव जी तीर्थी हैं, तीर्थी कहते हैं महात्मा को जो तीर्थी तीर्थ में जाकर तीर्थ बना देते हैं। सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम करके कहा भगवान मरने वाले को क्या करना चाहिए, हे गुरुदेव उपाय बताओ। सुखदेव जी बोले चिंता न करो राज, 7 दिन बाकी अभी, घड़ी भर में परलोक प्राप्त होता है, खटवांग से राजा का मोक्ष तो घड़ी में हुआ, तेरा तो शरीर अभी 7 दिन तक रहता है,
मेरा यह कथन है, ऋषि सब साक्षी हैं, भागवत पुराण से कष्ट सब मिटता है। देखता हूँ आज से सात दिल तुम्हारे लिए मोक्ष द्वार का मार्ग कैसे नहीं खुलता है। बेटा घबराओ मत, सदगुरु वेद बचन विश्वासा, सदगुरु वेद बचन विश्वासा, सदगुरु वेद बचन विश्वासा, सदगुरु वेद बचन विश्वासा, सैया मयन विषय करासा, सैया मयन विषय करासा, सैया मयन विषय करासा। परीक्षित परियाने सते प्रश्नः श्री सुख उवाच। तुरंत सुखदेव जी बोले, इसका मतलब यह है कि जीवन में भगवान की कथा सुननी हो तो समय और मुहूर्त के चक्कर में मत पड़ो, क्योंकि खबर नहीं पल की और बात करे कल की। जब मन में आए तुरंत देर न करो, शुरू करो, क्योंकि ये जीवन बहुत अनमोल है और इस जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। परियाने शते प्रश्नः, सुखदेव जी बोले वौ से, ध्यान से सुनिएगा, पहली बार भागवत में सुखदेव जी वौ से बोल रहे, वरियान। दूसरा शब्द भी बोल सकते थे श्री सुखदेव जी, वौ से क्यों बोले, बोले वौ जो है अमृत का बीज है, पृथ्वी का बीज है लौ, आकाश का बीज है वौ, ये अमृत का बीज है वौ, और अग्नि का बीज है रौ। अलग अलग अक्षर अलग अलग बीज हैं। अमृतमयी कथा अमृत बीज से शुरू किया और इसी को श्री गोस्वामी तुलसीदास ने पकड़ लिया, तो लिखा हुआ वर्णाना अर्थ संघाना। शुरुआत अच्छी हो गई तो समापन भी अच्छा होगा। शोभा यात्रा इतना दिव्य उस दिन हुआ। सुनील जी क्या हमसे ही कह रहे थे, रतन जी वो किशन जी महाराज, हम लोगों 150 लोगों की व्यवस्था की है, वो डर रहे थे कि संख्या घट बढ़ न जाए, लेकिन माताओं ने इतना बल लगाया कि 100 नहीं 200 पहुंच गए। ये ठाकुर जी की कृपा का बल है। राजन एक बात सुनो, दिन बीत जाता है परिवार बिताने में, रात बीत जाता है सोने में, समय कहाँ। एक बात सुनो, इसलिए हे भारत कथा सुनो, तस्मात भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, भगवान ही ईश्वर हैं, भगवान ही हरि हैं। श्रोतव्य भगवान की कथा सुननी चाहिए, कीर्तितव्य सुन करके दूसरे को सुनाना चाहिए, और केवल सुनाना ही नहीं चाहिए, स्मरतव्य जीवन में कथा को स्मरण भी करना चाहिए। देखो राजन, मैं तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता था, पर निष्ठितोपि निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया, मैं तो निर्गुण निराकार ब्रह्म को मानता था, लेकिन कथा ने मेरे चित्त को चुरा लिया। ऐसी है ये कथा कि खींच लेती है, मन नहीं करता कि जाए, लेकिन ऐसी एक कथा है ना कि दीवाना बना देती है। अकबर की एक बेगम थी जिसका नाम था ताज खां। ताज खां जब आगरा से जा रही थी ताज खां, तो रास्ते में बांके बिहारी भगवान की आरती हो रही थी, तो ताज खां ने पूछा डोली ढोने वाले कहारों से, इतनी सुंदर आरती कहाँ हो रही है। तो कहारों ने कहा कि बेगम साहिबा,
हिंदुओं का एक छोटा देवता है, उसी की आरती हो रही है। बेग ताज खान ने कहा चलो हमको ले चलो। तो जब ताज खान वहां गई तो ताज खान ने भगवान बांके बिहारी को देखा, और जब बांके बिहारी को देखी तो काले कपड़े में मुसलमान भाई की माताएं केवल इतना ही आंख दिखाई देता है, लेकिन भगवान को देखते तुरंत खोल दिया। और बांके बिहारी को बोली, बोले सुनो दिल जानी मेरे दिल की कहानी, तेरे हाथ हूं बिकानी, बदनामी सहूंगी मैं, देव पूजा ठानी, नमाज हूं भुलानी, कल कर्म है कुरानी, तेरे गुण गाऊंगी मैं, सांवले सलोने सिर ताज सिर कुल्ले दिए, सांवले सलोने सिर ताज सिर गुल्ले दिए, तेरे नेह दाग में निदाह होए रहूंगी मैं, लेकिन नंद के कुमार कुमार तेरी, नंद के कुमार कुर्बान तेरी सूरत पे, ओके मुगलानी हिंदुआनी होए रहूंगी मैं, मैं तुमको देख लिया ना अब मुगलानी नहीं रहूंगी हिंदुआनी हो जाऊंगी, लेकिन मेरी एक बात सुन ले, हिंदुओं के नाथ तो हमारो कछु दावा नहीं, हिंदुओं के नाथ तो हमारो कछु दावा नहीं, यदि जगत के नाथ तो हमारी सुधि लीजिए, हे जगन्नाथ मैं आज आपके हो रही हूं। बेगम खान ने अकबर से कहा कि मेरे लिए बिहारी जी की यहां व्यवस्था बनाओ। भगवान नैना अपने पिया से लगाई रे, अपने पिया से लगाई रे, अपने पिया से लगाई रे, नैना अपने पिया से लगाई रे, अपने पिया से लगाई रे, नैना अपने पिया से लगाई रे, धन धन भागे जगे मोर सजनी, धन धन भागे जगे मोर सजनी, अपने पिया से लगाई रे, नैना 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 अपने पिया से लगाई रे। चिंता न करो, गुरु मेहरबान तो चेला पहलवान। देखो खटवांग नाम के राजा 48 मिनट में मुक्त हो गए, केवल भगवान के शरण में जा सुखी मीन जानिए।
जिमि हरि शरण हे लेकिन कंडीशन कर दिया सबके ममता ताज बटो सब कुछ छोड़कर गोविंद के शरण में जाओ क्योंकि जहां जाने के बाद फिर आने की जरूरत नहीं है कि क्योंकि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इसी का अनुवाद किया तुलसीदास जी ने धरणी धाम धन पूर परिवार स्वर्ग नरक जहां लगी व्यवहार बोले कथा क्या है बोले भगवान के शरण में ले जाती है बोले शरण में जाकर क्या करेंगे कायद गत्वान निवर्तन्ते तत्थाम परम मम गीता भगवान के पास जाने के बाद अब फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं है जीवात्मा परमात्मा का अंश है कैसे आम का एक टुकड़ा खाइए तो भी आम ही जैसा लगेगा और इतना बड़ा भी खाइए तो आम ही जैसा राजन चार बातें याद रखो सुखदेव जी बोले जीता सनो आसन जीतो श्वास जीतो प्राण जीतो संग जीतो संसार में सब कुछ देख रहे हो भगवान ही का है पद पाताल शीश अज धामा पद पाताल शीश अज धामा अपर लोक अंग अंग विश्वामा पद पाताल शीश अज धामा पाताल में तस्य हि पादमूलम् पठन्ति पार्श्वक प्रपदे रसातलम् भागवत का 90% अनुवाद रामचरितमानस पूरी भागवत का अनुवाद है रामचरितमानस ये जो पाताल लोक है भगवान के चरण है ये जो सिर है ना यही ब्रह्मलोक है भगवान का सिर ब्रह्मलोक है ये संसार में जितनी नदियां हैं भगवान की नस नाड़ियां हैं और ये संसार में जितने वृक्ष हैं भगवान के रोए हैं और जितने पहाड़ हैं भगवान की हड्डियां हैं देखो जिस वस्तु की कामना हो उस देवता की उपासना करो ब्रह्म तेज की कामना हो बृहस्पति की उपासना करो विद्या की कामना हो तो भगवान शिव की उपासना करो धन की कामना हो तो लक्ष्मी जी की उपासना करो लेकिन सब चाहिए घर द्वार मकान बिजनेस व्यापार तो भगवान नारायण को पकड़ लो अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदार देह तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम सौनक जी महाराज ने कहा महाराज बड़ी अच्छी कथा आप सुना रहे सूत जी और सुनाइए क्योंकि शरीर नाशवान है सांस लेने के लिए तो जो लोहार के यहाँ भाथी होती है ना वो धौकनी वो भी दिन भर सांस लेती रहती है वृक्ष भी जीते रहते हैं लेकिन बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर हम मनुष्यों को देखकर चार लोग हंसते हैं कौन कौन सुबिड बरा होष्ट खरई स्व माने कुत्ते बिड बरा माने गांव के सुअर खर माने गधा उष्ट माने ऊंट जब हम लोग लड़ते हैं तो कुत्ते हंसते हैं कि हमारी बिरादरी के जो नहीं खाना चाहिए जब हम खाने लगते हैं उल्टा सीधा जो नहीं खाना चाहिए तो हमको देख करके सुअर हंसते हैं चलो हमारी बिरादरी के गांव में जो सुअर होते हैं ऊंट गधा कब हंसता है बोले रिटायर हो गए और तो भी बिजनेस के चक्कर में पड़े हुए 80 वर्ष के हो गए फिर भी दुकान खोलने के चक्कर में पड़े गधा बेचारा कितना बूढ़ा हो जाए और रिटायरमेंट नहीं होता उसका मरने के दिन भी 10 ईंटा ढोएगा गधे सोचते हैं हमारे डिपार्टमेंट के हमारे बिरादरी के मरने के दिन भी आंख से नहीं दिखाई दे रहा है तो भी चक्कर में पड़े अरे भाई बच्चे जवान हो गए उनको अपना काम दिखाइए और रिटायरमेंट लीजिए आनंद लीजिए जीवन का क्योंकि जीवन है अनमोल काम कुछ ऐसा कर जा
लेकर नाम हरि का भव सागर से तर। ऊंट के सामने रसगुल्ला, रसमलाई, राजभोग, रस लाल पेड़ा रखिए तो भी वो बबूला ही खाएगा, नीम की पत्तियां चबाएगा। जो नहीं खाना चाहिए, जो हम खाते हैं ना, तो हमको देखकर ऊंट कहता है हमारी बिरादरी। जिनकी आंखों से भगवान का दर्शन नहीं हुआ, उनकी आंखें नहीं है बरहाई देते नैने नराणा, उनकी आंखें क्या है मोर के पंख की तरह। जिनकी कान से भगवान की कथा का श्रवण नहीं हुआ, उनके कान सर्प के बिल की तरह है। राजा परीक्षित ने कहा, मेरी मति को आपने सती बना दिया गुरुदेव, बनाइए इस सृष्टि को, कौन बनाया, बनाने वाला कौन है। इतना सुनकर बस 5 मिनट में हम लोग कथा को विश्राम दे रहे हैं। तो सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया, नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे समत्तवस्थान हरिधरोलया गृहीत सकृतया यदेहिनाम अंतर्भवाया उपलक्ष्यवर्त्मनि। 12 श्लोकों में भगवान की प्रार्थना किया, मंगलाचरण किया। सृष्टि को बनाने वाला कौन है, कहा देखो भैया यही प्रश्न नारद जी महाराज ने ब्रह्मा जी से किया था। तब ब्रह्मा जी ने कहा हमको भी बनाने वाला कोई है, कौन। तब बताया देखो राजन, भगवान के नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए, और ब्रह्मा जी महाराज जब भगवान को नहीं देखे तो चारों तरफ जल ही जल दिखाई दिया, तो 2 शब्द उनको सुनाई दिया, त और प। तो ब्रह्मा जी ने तप किया, भगवान प्रकट हुए, ब्रह्मा जी से हाथ मिलाए, ब्रह्मा जी ने कहा भगवान हमको अभिमान न हो जाए। तब भगवान ने 4 श्लोकों में भागवत का उपदेश किया, हमेवा समेवा गे नान्यत्र सर्वपरम पश्चात हम ये तच्चा यो शिष्येत सस्तम्रतेतम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत जात्मनि विद्यादात्मनो माया यथा वासु यथात्महा यथा महान्ति भूतानि भूते सुच्चावतिस्तनु प्रविष्टानि प्रविष्टानि तथा ते हृदिष्टम् एतावति विज्ञासं प्रतिज्ञासात्मनः अनुय व्यतिरेकाभ्याम् यच्चा सर्वत्र सर्वदा। 4 श्लोकों में भागवत का उपदेश किया। कैसी भागवत के 10 लक्षण है, भागवत का विस्तार करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा से भागवत का विस्तार किया। तब तक सौनक जी महाराज ने पूछा, विदुर जी ने घर क्यों छोड़ दिया, विदुर जी घर छोड़ दिए इसका कारण क्या है। कहा दुर्योधन ने जब दुर्वचन सुनाया तो विदुर जी महाराज घर छोड़ करके चले गए। उद्धव जी का दर्शन हुआ वृंदावन में और उद्धव जी ने भगवान की कथा सुनाई, फिर भी मन नहीं भरा, बोले अभी कथा अधूरी रह गई। तो वहां से चले गए हरिद्वार मैत्रेय मुनि के पास। मैत्रेय मुनि को प्रणाम किया, गुरुदेव हमें बताइए संसार में हम कोई काम सुख के लिए करते हैं लेकिन परिणाम दुख मिलता है, ऐसा क्यों। कहा संसार में जानते नहीं हो ये तेरा मेरा का जो चक्कर है बड़ा खतरनाक है। तेरा मेरा तेरा मेरा तेरा मेरा मेरा क्या तेरा क्या मेरा क्या तेरा क्या मेरा। तू तो एक बंजारा ठहरा तू तो एक बंजारा ठहरा 4 दिन भजन करता चल भाए भजन करता तेरा एक पलड़े पर भाया अपने को ही तोड़ दिया दुनिया को तोड़ पाया अपने को ही तोड़ दिया दुनिया को तोड़ पाया भक्ति भजन बिनु कटन सकेगा भक्ति भजन बिनु कटन सकेगा इस जीवन का फेरा भजन करता चल भाई भजन करता चल भाई भजन करता चल भाई भजन करता चल भाई। जीवन में कस्तूरी तेरे भीतर है मृग यह जान न पाया कस्तूरी तेरे भीतर जान पाया मोहक गंध कहाँ से आई जंगल जंगल आया
मोहक गंध कहाँ से आई, जंगल जंगल आया। बीन बजा कर नचा रहा है, बीन बजा कर नचा रहा है, तुमको काल सपेरा भजन करता चल भाई, भजन करता चल भाई, भजन करता चल भाई, भजन करता चल भाई, तेरा मेरा 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 क्या तेरा क्या मेरा, क्या तेरा क्या मेरा, तू तो एक बन चारा ठहरा चार दिनों का तेरा, भजन करता चल भाई, भजन करता चल भाई, भजन करता चल भाई, भजन करता चल भाई। मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को कहा, संसार में दुख ही दुख है, सुख है ही नहीं। जनरल स्टोर पर मेडिकल की बात करेंगे तो कहाँ होगा, मेडिकल पर जनरल स्टोर की बात करेंगे तो कहाँ होगा। तब कहा, भगवान के नाभि से कमल ब्रह्मा प्रकट हुए, पुनः सृष्टि का विस्तार करके बताया, जड़ चेतन गुण दोष में विश्व किंड कर धार। ब्रह्मा जी महाराज भगवान के द्वारा प्रकट हुए, ब्रह्मा जी ने सृष्टि का विस्तार किया, फिर भी सृष्टि जब नहीं चली ब्रह्मा जी के द्वारा। शरद कुमार प्रकट हुए, सृष्टि नहीं चली, क्रोधित हो गए तो रुद्र प्रकट हो गए, फिर भी सृष्टि नहीं चली। ब्रह्मा के चार अंग से चार वेद प्रकट हुए, फिर भी सृष्टि नहीं चली। दस पुत्र हुए, मरीचि अत्रि अंगिरा पुलह पुलस्त क्रतु नारद इत्यादि, फिर भी सृष्टि नहीं चली। छाया से कर्दम प्रकट हो गए, तब मनु जी सब ब्रह्मा जी महाराज का शरीर दो भाग में फटा, और बाहिना भाग पुरुष और बाया भाग स्त्री, मनु और शत्रुपा, इनसे मैथुनी सृष्टि प्रारंभ हुई। आकुति प्रसूति देवहूति तीन कन्याएं हुई, दो पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। मनु जी महाराज ने सृष्टि के लिए स्थान मांगा, पृथ्वी नहीं थी, हिरण्याक्ष दैत्य चुरा लिया था। ये कौन था, दिति का पुत्र था जो असमय अवस्था में पैदा हुआ था। तब भगवान वराह बन करके प्रकट हुए, ब्रह्मा जी की कृपा से भगवान वराह ने पृथ्वी का उद्धार किया। बोलो वराह भगवान की। मनु जी की तीन बेटियों का विवाह हुआ, आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, जहाँ यज्ञ नारायण प्रकट हुए, यज्ञ नारायण भगवान की। देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, जिनके पुत्र भगवान कपिल देव हुए। प्रेम से बोलिए कपिल देव भगवान की। प्रसूति का विवाह हुआ प्रजापति दत्त से, जिनके दामाद भगवान शिव हुए। बेटी सती हुई, दक्ष और शिव के विवाद से सती जल गई, वही पार्वती बनी। मनु जी के दो पुत्रों का वंश वर्णन, ध्रुव जी महाराज जो मनु की पत्नी, ये ध्रुव जी महाराज उत्तानपाद के पुत्र, सुरुचि और सुनीति जो दो पत्नियां हैं, सुनीति के पुत्र ध्रुव हुए। माँ की प्रेरणा से ध्रुव जी महाराज को भगवान का दर्शन, ध्रुवलोक की प्राप्ति हुई। आगे बहुत सारी कथाएं, प्रियव्रत इत्यादि की कथा है। भूगोल और खगोल का वर्णन करते हुए नरकों का वर्णन किया, 28 नरक। बोले नरक से बचने का उपाय क्या है, कहा बचने के लिए भगवान का नाम है।